तुम्हारा फोन कहाँ है? ये रहा, क्यों? फिर मुझे कौन फोन कर रहा है? मेरे नंबर से? एक मिनट। हेलो, हेलो आकाश, मैं ऋचा बोल रही हूँ। तुम कार से उतरो और भागो, अपनी जान बचाओ। जो औरत तुम्हारे साथ कार में है वो मैं नहीं हूँ, कोई और है। What nonsense? मेरी वाइफ इस वक्त मेरे साथ बैठी हुई है। वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, मेरी बात सुनो। अगर तुम इस वक्त वहाँ से बच के नहीं निकले तो वो तुम्हें मार डालेगी। Shut up. कौन थी आकाश, क्या बोल रही थी? मजाक कर रहा था, भद्दा मजाक। नमन ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है, शायद ये सब उसकी वजह से है। कल मैं उसे एक साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाऊंगा, शायद उसकी कुछ मदद हो सके। पर तुम कल काम्या से मिलकर उसकी ओपिनियन जरूर ले लेना। हाँ, मैं बात करूंगी उससे। ऐसा क्या है तुम्हारी बीवी में जो वो तुम्हें मुझसे ज्यादा पसंद है? काम्या, तुम? काम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैं तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं लगती? सच कहूँ, तुम्हारी बीवी से ज्यादा खूबसूरत नहीं लगती मैं। मैंने देखा है तुम्हें मुझे देखते हुए। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए कैसा महसूस करते हो। पागल हो गई हो तुम? तुम अपने होश में नहीं हो। तुम मेरी दोस्त हो और मेरे बेस्ट फ्रेंड की वाइफ भी। ना ही तुम्हें इस वक्त यहां होना चाहिए था मेरे बेड पर, और ना ही इस बारे में कुछ सोचना चाहिए था। तुम प्लीज अभी घर जाओ, अभी घर जाओ प्लीज। काम्या, तुम रात में मेरे बेडरूम में कैसे आ सकती हो? रिचा देखेगी तो क्या कहेगी? काम्या, अभी निकलो बाहर। ये सब क्या है आकाश? और अभी अभी क्या कह रहे थे तुम कि काम्या तुम्हारे साथ बेड में? What the hell आकाश, ये चाहिए था तुम्हें? छी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है। कितना प्यार किया था मैंने तुम्हें। रिचा, I guess ये सिर्फ एक सप्ताह था, that's it. अच्छा, तो तुम्हारे सपने में अब काम्या आती है? ठीक है, काम्या के साथ रहो, शक्ल मत दिखाना अपनी मुझे। सुनो रिचा, मेरी बात सुनो। रिचा, रिचा तू मुझे गलत समझ रही हो। रिचा, मेरा भरोसा करो। मैं उसके बारे में सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। प्लीज मुझ पर भरोसा करो। मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया है और वो तुम हो। रिचा, रिचा मेरी बात सुनो। रिचा, मत छू आकाश उसे। ये तुम्हारी रिचा नहीं है, मैं रिचा हूँ। इसने मुझे मार दिया। रिचा, रिचा, ओह नो, रिचा, रिचा आंखें खोलो। आकाश, आकाश, ये रिचा नहीं है। तुमने मेरी रिचा को मारा? नहीं,
मैं तुम्हारी रिचा हूँ। आकाश झूठ बोल रही हो तुम, तुमने मेरी रिचा को मारा है। आकाश मैं तुम्हारी रिचा हूँ, झूठ बोल रही हो। आकाश तुमने अपनी पत्नी को मार दिया, अपनी प्यारी पत्नी रिचा को मार दिया। पर तुम तो बहुत प्यार करते थे उससे, वो परफेक्ट मैरिज कपल। और अब जब तुमने अपनी पत्नी रिचा को मार ही दिया है तो तुम्हें भी मारना होगा। तुम्हारी पत्नी की मौत का बदला लूंगी मैं। कौन हो तुम? मुझे मारना क्यों चाहती हो? I hate perfect married couple. हम नहीं जानते हैं, हमने कहा था ना कि हम कुछ नहीं जानते हैं। देखिए मैं जानता हूँ आप कुछ ना कुछ जानते हैं, अब आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं मुझसे। प्लीज देखिए समझने की कोशिश कीजिए, मेरी बीवी वहाँ पर फंसी पड़ी हुई है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। उन्हें बचाने में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं क्या, उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। आप यहाँ से चले जाइए। इसका मतलब आप कुछ ना कुछ जानते हैं। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज वो मर जाएगी अंदर, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज मैं उसके बिना नहीं जी सकता, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, प्लीज। ठीक है बेटा मैं बताता हूँ। 25 साल पहले मैं ही उस सनशाइन विला की देखभाल करता था। उसी वक्त माया सचिन से शादी करके पहली बार वहाँ आई थी, और उसके बाद बोलो सचिन बोलो, तुमने हम सबको धोखा क्यों दिया? मेरे माँ बाप सबको धोखा दिया, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे जवाब दो सचिन, सचिन बोलो, मुझे जवाब दो, बोलो। हॉरी माया हॉरी, लेकिन अब सच तुम्हारे सामने है, और जो है वो है। वैसे भी मैं तुमसे प्यार नहीं करता, अब क्या करूं? तो फिर मुझसे शादी क्यों की? नहीं करनी थी मुझे तुमसे शादी, क्योंकि मैं किसी और को प्यार करता था, लेकिन मेरे घर वाले उनको तो वो पसंद ही नहीं थी। दबाव में आकर मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी, लेकिन वो क्या है ना माया, तो शादी तो जबरदस्ती हो सकती है लेकिन प्यार नहीं। सचिन मुझमें क्या कमी है बोलो, क्या मैं उसकी तरह खूबसूरत नहीं हूँ? हाँ बोलो। देखो तुम जो कहोगे जैसा कहोगे मैं सब मानूंगी, मैं दुनिया की सबसे अच्छी वाइफ बन के दिखाऊंगी। प्लीज प्लीज सचिन मुझे एक मौका दे दो, प्लीज। बस माया तुम अपने आप को उसके साथ तुलना भी मत करो, क्योंकि ना तो तुम किसी भी हाल में उससे बेहतर हो और ना ही कभी हो सकती हो, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूं उसके जैसा और कोई नहीं हो सकता। मैं अब कुछ नहीं जानती, अब चाहे जो हो, तुमने मुझसे शादी की है और तुम्हें मेरा पति बन के रहना पड़ेगा। उस दूसरी औरत को तुम भूल जाओ, समझे तुम? मायक माया मैं कह रहा हूँ चाकू नीचे रखो मायक, चाकू लग जाएगा, चाकू नीचे रखो मायक। तुम अपने अपने पति पर चाकू चलाओगे? पास में जाना, तुम मार दूंगी मैं तुम्हें। Ah, 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 ah
काका। जी साहब। वो मेरे लिए डिनर लगा देना, और हाँ सिर्फ मेरे लिए खाना लगाना, माया तो मायके चली गई। हाँ? अच्छा खाना मेरे रूम में भेज देना। जी साहब। कुछ दिनों बाद सचिन साहब की हत्या हो गई उसी बेडरूम में बड़े चाकू के साथ, और ये सनशाइन विला खंडहर बन गया। साहब यहाँ युगल जोड़े आते तो हैं लेकिन वापस नहीं जाते। इसका मतलब ये जो कुछ भी कर रही है माया कर रही है। हाँ हाँ साहब, कई किस्से हैं। माया पति पत्नी के साथ खेल खेलती है, वो अपने साथ हुए धोखे का बदला सारी दुनिया से ले रही है। साहब आप तकदीर वाले हैं, जो अंदर से बच के आ गए वहां जो जाता है वो बच के नहीं आता है। आप जाओगे तो बच के नहीं आ पाओगे, आपकी पत्नी अंदर है, लेकिन साहब अगर आप अंदर गए तो जिंदा बच के वापस नहीं आ सकते। साहब आप यहां से चले जाओ। साहब नहीं, मैं अपनी बीवी के बगैर यहां से नहीं जाऊंगा, मैं उसे यहां से निकाल के रहूं।